हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पाठ दूसरा, लाख की चूड़ियाँ। कामता नाथ के द्वारा लिखा गया है यह पाठ। इस पाठ में लेखक ने आज के मशीनी युग के विषय में बताया है कि मशीनों के कारण हाथ से काम करने वाले कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग हाथ से काम करते हैं उनका कार्य मशीनों ने ले लिया है, तो उनके जो उद्योग धंधे समाप्त हो जाते हैं, मन की पीड़ा है, उसी को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। लेखक बचपन में स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। गांव में बदलू नामक एक व्यक्ति था वहाँ, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता। लेखक अन्य बच्चों की तरह उसे बदलू काका पुकारता। बहुत बच्चे गांव के उसे बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। पेशे से मनिहार था, अर्थात चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाने का काम उसके पूर्वज भी करते आ रहे थे। शुरू से ही उनका काम चूड़ियाँ बनाना रहा है। आसपास के सभी गांवों में उसकी चूड़ियाँ प्रसिद्ध थी। लेखक का बदलू काका के पास जाने का प्रमुख कारण था कि वह लाख की रंग बिरंगी गोलियाँ उसे देते थे। बदलू काका की चूड़ियाँ बनाने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक थी। बदलू काका अपने घर के आंगन में खड़े एक नीम के पेड़ के नीचे चूड़िया बनाने का कार्य करता था। सबसे पहले वह तेज भट्टी पर लाख पिघलाता। लाख से चूड़िया बनती हैं और वह पिघल जाता है, आग में डालते हैं, तो उस चूड़िया बनाने के लिए सबसे पहले लाख को पिघलाना पड़ता है। लकड़ी की चौखट पर लाख को मुलायम करके पतली लाख का रूप देकर फिर चूड़ियों का आकार प्रदान करता। चूड़िया बनाकर उन्हें बेलनुमा लकड़ी के गोल गुटके पर चढ़ा देता। जब चूड़िया भली भांति जम जाती तो उन्हें एक एक करके रंगता। फिर बदलू काका अपनी चूड़ियों के बदले पैसे नहीं, अनाज लेता था। बदलू काका का स्वभाव बहुत ही विनम्र था। लेखक ने कभी किसी से लड़ते झगड़ते उन्हें नहीं देखा था। अपना सारा काम मचिए पर बैठकर करता। लेखक को लल्ला कहकर पुकारता। उसके वहाँ पहुँचने पर उसके लिए दूसरा मचिया भी मंगवा देता। मचिया एक बैठने का कोई साधन होता है। लेखक मचिए पर बैठकर घंटों चूड़ियाँ बनाने का काम देखता। लेखक की चूड़ियों में अधिक रुचि नहीं थी, वह उसके पास इसीलिए बैठा रहता ताकि वह उसे रंग बिरंगी गोलियां दे सके। मामा के गांव में आकर लेखक बहुत समय बदलू काका के पास ही बैठकर बिताता। दोनों की आयु में बहुत ज़्यादा अंतर था, फिर भी उनमें खूब जमती। कभी कभी बदलू लेखक की बहुत खातिर भी करता। गाय के दूध से उसके लिए मलाई बनाकर रखता। आम की फसल में तो लेखक रोज ही उसके यहाँ आम खा लेता। गांव की सारी स्त्रियां बदलू की बनाई गई चूड़ियाँ पहनती। चूड़ियों के भाव ताव को देखकर वह जिद नहीं करता था। हाँ, विवाह शादी के अवसर पर बदलू के व्यवहार में थोड़ा अंतर अवश्य आता। इसका कारण सुहाग के जोड़े का महत्व था। लेखक के मामा की लड़की की शादी के समय बदलू किसी बात पर नाराज हो जाता। उस समय उसकी बड़ी मुश्किल से मनाया था। बदलू को किसी वस्तु से चिढ़ थी,
तो वह कांच की चूड़ियां किसी को कांच की चूड़ियां पहनते हुए देखता तो वह चिढ़ जाता, दो चार बातें भी सुना देता, किंतु वह लेखक के साथ विनम्रता से बात करता। शहर में बहुत सारी स्त्रियां कांच की ही चूड़ियां पहनती तो वह उतार देता हुआ उत्तर देता हुआ कहता कि शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो तभी सभी कुछ हो जाता है। औरतें अपने वह कहते हैं कि लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए। इस प्रकार से ये इस बदलू काका के विषय में बताया है। बच्चों आज हम यहाँ तक पाठ पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह से ये पाठ पढ़ना है, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।